फलोक मुझे मरवा दे। कौन? वो पुलिस वाले? ए नहीं, जिन्होंने मुझ पर कत्ल डालने की कोशिश की है। महबूब, आप लोग इन बर्तनों में खाते पीते हैं? अरे नहीं नहीं, बस जिनकी जरूरत होती है उनको धो लेते हैं। भाजी आप क्या कह रही हैं, मेरे को समझ नहीं आ रही। कितने गंदे तरीके से तुम बर्तनों को धोती हो। अल्लाह बाजी, तौबा तौबा, कसम ले ले, मैं सुबह सुबह उठती हूँ, हाथ मुंह धोती हूँ, फिर बर्तन धोती हूँ, फिर बाकी काम करती हूँ बाजी। और उन्हीं गंदे हाथों से तुम उन्हीं बर्तनों में हाथ डालती हो। सफाई हो गई बाजी। बिल्कुल, हमारी गली कितनी प्यारी लग रही है बाजी। गली तो प्यारी लग रही है अली, लेकिन हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ। क्या मतलब है बाजी, हमें आपकी बात समझ नहीं आई। हमें सिर्फ मोहल्ले और शहर की बात नहीं करनी, हमें पूरे मुल्क को साफ रखना। पूरा मुल्क बाजी? ये कैसे मुमकिन है बाजी? नामुमकिन कुछ भी नहीं है अलसा, चिराग से ही चिराग जलता है। चिराग से सफाई कैसे होगी बाजी? ये एक मुहावरा है और मुहावरे सही मायनों में इस्तेमाल नहीं होते। असल मतलब तो बताए ना बाजी। हमें अपने अपने घरों को साफ रखना है और सफाई एक आध बात नहीं करनी, बल्कि हमेशा अपने घरों को साफ रखना है। चिराग और बत्तियां भी जलानी है बाजी। जब हमारा घर साफ होगा तो हमारे पड़ोस वाले खुद ब खुद देकर अपने घर को साफ रखेंगे और उनके पड़ोसी भी इस आदत को अपनाएंगे। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पूरा मुल्क साफ हो जाएगा। अच्छा, इस तरह पूरा शहर साफ हो जाएगा? सिर्फ एक शहर नहीं, पूरा मुल्क। जब हमारे साफ सुथरे शहर को दूसरे शहर वाले देखेंगे तो वो भी सफाई की आदत को अपनाएंगे। समझ आए आपको? जी बाजी। अब घर चले? जी बाजी। चलिए। अकेले आए हैं, बंटू को नहीं लाए साथ? बंटू सैर करने नहीं गया, पुलिस स्टेशन में। तो क्या हुआ, हर रोज तो कहते हो तुम्हारे हाथ बहुत लंबे हैं। जो कुछ तुमने किया उसका कोई हल नहीं है मेरे पास। तुम चोर हो, पेशावर हो, तुम्हारी वजह से मेरी और मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई। ठहरो, पुलिस स्टेशन जाती हूँ, पुलिस वालों को बताती हूँ कि मेरा बच्चा तुम्हारी वजह से, तुम्हारी हराम की कमाई खाने की वजह से बुरा बना है। अपनी बकवास बंद करो और जाओ अंदर। नहीं, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ। अगर नहीं रहना तो बाहर में जाओ। जाओ। कितना मुश्किल काम है, एटलीस्ट कुछ भी थी वक्तों ने किचन तो संभाला हुआ था। क्या कौन आ गया? कोई मेहमान होगा और चाय पिलाना मेरे लिए अजाब हो जाएगा। बाजी यहाँ क्या कर रही हो? बाजी मुझे माफ कर दे, मैंने जानबूझ के ऐसे कुछ नहीं किया था। अच्छा, तुमने अगर जानबूझ के नहीं किया तो मेरी बेटी की तबीयत कैसे खराब हुई? तुम पे मैंने एतबार किया था और तुमने मेरा एतबार तोड़ा है, धोखा दिया है तुमने मुझे। बाजी खुदा के लिए आप ऐसा ना कहें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सुमी तो मुझे अपनी जान से भी अजीज है। तो फिर वो क्या था? बाजी सुमी को मैं अपनी जान से भी अजीज रखूंगी, बहुत ख्याल रखूंगी। एक बार आप मुझे माफ कर दें और यकीन माने मेरे धुले हुए बर्तन भी होंगे ना, उनको मैं फिर से गंगा लूंगी। मेरे पास इन फजूल बातों का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अपना हिसाब बताओ पिछला और निकलो यहां से। बाजी बाजी मुझे माफ कर दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बाजी, आपके पांव पड़ती हूँ बाजी। मैंने वहां की नौकरी भी आपके खातिर छोड़ दी है, अब मैं कहां दर दर के धक्के खाऊंगी। बाजी यकीन माने मैं सुमी का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखूंगी, पर अगर कोई गलती हो ना मुझे जान से मार देना बाजी।
मेरा बेटा गया इंस्पेक्टर। होगा तुम्हारे घर पे। अबे मैं बंटू की बात कर रहा हूं। वो चोर डकैत यू बोलो ना, बच्चा है अभी तो। चोरों और डकैतों की जगह जेल में होती है। तुमने उसको जेल भेज दिया? तो और कहां भेजता, असेंबली हॉल भेज देता। ये तुमने अच्छा नहीं किया इंस्पेक्टर। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, तुमने अपने बेटे की तरबियत अच्छी नहीं की। पछताओगे, नुकसान उठाओगे। जाओ जाओ यहां से। मैं यहां अपने बेटे से मिलने आया, मुझे बताओगे वो कहां है? ऊंचा सुनती हो, बताया नहीं तुम्हें कि चलान करके मैंने उसे जेल भिजवा दिया है? और तुम भी जेल जाने की तैयारी करो। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। एक बार तुम्हारे मोहल्ले से मुझे एक गवाह मिल जाए तुम्हारे खिलाफ, फिर देखना ये ख्वाब कैसे पूरा होता है। किसकी मौत आई है? किसकी मौत आई है जो असलम के खिलाफ गवाही देगा? तुम्हारी। तुम जानते हो ना मेरे हाथ कितने लंबे, कानून से भी लंबे। तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं असलम, और बुरे दिनों में कोई किसी का साथ नहीं देता, वो चाहे बाप क्यों ना हो। पछताओगे? चल। देख लूंगा तुम्हें। खोल रही हूँ दरवाजा भाई, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आंटी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, क्या अच्छा लगा आपका ना। आइए आइए आइए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तो कमाल हो गया आज तो। तुम बेगुनाह, तुम्हारी बीवी अगर तुम्हें ही बचा लेना यही बड़ी बात, और मेरी तो जरायम की लिस्ट मेरी उम्र से ज्यादा बड़ी है। धुले हुए बर्तनों को अगर तुम्हें इस्तेमाल करना होगा तो उन्हें फिर से धो के इस्तेमाल करना। जी बाजी, आप फिक्र ही ना करें, ऐसे ही करूंगी। और हाँ, दिखाई में हमें गंदगी नजर नहीं आती, लेकिन मक्खियां, गर्द और जरासीम उन्हें फिर से छू लेते हैं। ठीक है, जो मैंने खुद बर्तन धोए होंगे ना, जब इस्तेमाल करूंगी वो भी धोऊंगी। असल में बाजी, गांव में तो ये चीजें कोई नहीं बताता ना। और हाँ, अगर कोई भी चीज चखनी हो तो प्लीज चम्मच और बर्तन अलग से इस्तेमाल करना। जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अब ज्यादा शर्मिंदा ना करें। अच्छा तुम जाके किचन में देखो, कोई काम है तो जाके करो। जी ठीक है। हेलो अलीना, मैं बोल रहा हूँ। डैडी आ? हाँ, आई एम बैक इन पाकिस्तान। डैडी आपने बताया नहीं आप कब आए। बेटी ये बातें हम मिलके करेंगे, तुम मुझे सिर्फ अपना घर का एड्रेस भेजो, इसलिए कि मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ। डैडी हम लोगों ने फ्लैट चेंज कर लिया है, आप ऐसे करें दो दिन के बाद आ जाएं, क्योंकि फ्लैट में सामान बहुत बिखरा पड़ा है।
अलीना मैंने तुमसे अभी मिलना है, मुझे अपना एड्रेस अभी भेजो और शाहरुख को भी बताओ कि वो पहुंच जाए वहां पे। डैडी मैं आपसे कह रही हूं ना, आप यहां आके डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको यहां बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी। अलीना मुझे तुम डिस्टर्ब लग रही हो, फौरन अपना एड्रेस मुझे भेजो इसलिए कि मैं आ रहा हूं अभी। ठीक है एड्रेस लिखे। ठीक है बेटी आई एम कमिंग। आ रही हूं। खोल रही हूं दरवाजा भाई एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आंटी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, क्या अच्छा लगा आपका नाम। शुक्रिया बहुत। आइए आइए आइए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तो कमाल हो गया आज तो। बस सबसे पहले हम यहीं आए हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसी बेटा? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इमरान आप कब आए? मैं अभी अभी आया। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप कनाडा से कब आए? कनाडा से भी आज ही आया। अरे इसने तो आने का मुझे भी नहीं बताया, अचानक आके सरप्राइज किया है। बहुत ही अच्छा सरप्राइज है आंटी, ये आपके लिए। अरे बेटे बैठो तो सही ना, तोहफे भी हो। अच्छा बैठो तो सही, आजा आजा आजा, बैठो बैठो बैठो, इसकी क्या जरूरत थी आंटी। ये छोटा सा तोहफा आपके लिए। बेटे तो बड़ा सा है, लेकिन इस तकल्लुफ की जरूरत क्या थी आखिर? जरूरत थी इसलिए कनाडा से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं बाजी, ये आपके लिए। थैंक यू। और आंटी ये अंकल के लिए। अरे बेटे एक ही काफी था ना। और ये जो गिफ्ट है ये किसके लिए? ये वो अंदर रूम में आपको खुद ही देने के लिए जाना होगा। हाँ बेटा जाओ, इतनी देर में मैं नुसरत आंटी से बात कर लूँ, तुम जाओ। आए मैं आपके साथ चल जा। आ जाए। आयशा बाजी आपको नॉक करने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत प्यारा सरप्राइज है। अच्छा वो क्या? आ जाइए मिस्टर सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम। अरे बैठे बैठे। ये है तुम्हारा सरप्राइज। वैसे इमरान ठीक ही कह रहा, टेलीफोन पे निकाह की समझ तो मुझे भी नहीं आ रही, इसीलिए वो वापस आ गया है। फिर कब तक का सोचा आपने? मेरे ख्याल में तो जुमे का दिन बहुत मुबारक है। हाँ जुमे का दिन मुबारक भी है, मुनासिब भी है। सोबिया के अब्बा से मशवरा कर लूँ। हाँ बिल्कुल आप बात कर लीजिए। और आमिर के केस का क्या हुआ? अब आपको पता तो है ये कोर्ट कचहरी के मामलात बड़े अजीब होते। मगर मैंने तो सुना था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये कि सब मामला ठीक हो जाएंगे। कैसा कुछ नहीं हुआ? मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि उसकी जमानत हुई या नहीं। जी जी मैं भी यही बता रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, बस जमानत ही होने वाली है इंशाअल्लाह ताला, जल्द हो जाएगी।
अपने से बेचारा खामा खामे इस केस में फंस गया, उसने तो कुछ किया भी नहीं। सही कह रही हैं आप बिल्कुल, चले अंदर ही चलते हैं ना, बहुत ही यहाँ पे, चले चलिए। नहीं मैं उठा लूंगी, चल आ जाओ। देख लें बगैर किसी को बताया कनाडा से वापस आ गया। वैसे इमरान आपको आने से पहले सोफिया को तो बताना चाहिए था। लो जी, अगर मैं बता देता तो सरप्राइज कैसा रहता। अच्छा तो ये था असल सरप्राइज। नहीं, असल सरप्राइज कुछ और है। और असल सरप्राइज है ये, दिस इज फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। पसंद आ जाए तो मैं समझूंगा शुक्रिया का हक अदा हो गया। अरे पसंद कैसे नहीं आएगा, दिन रात या तो आपकी बात हुआ करती थी या सेहत और सफाई पे। मैं भी कनाडा से इन्हीं के लिए आया हूं, और वैसे भी फोन पर निकाह करना बहुत अजीब लग रहा था। आशा चले इमरान भाई, नाश्ता रेडी है। सोबिया चलो नहा लियो। आज रात तुम्हें यहां से निकालने की कोशिश करता हूं मैं। यार मैं तो कहता हूं कि तुम भी पेश हो जाओ, गिरफ्तारी दे दो। नहीं ये मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा। लेकिन क्यों? मत पूछ यार, मेरी तो हर सूरत मौत है। और बाकी जो जिंदगी बची है वो मैं आजादी से गुजारना चाहता हूं। ये क्या आजादी है? तुम आजादी समझते हो? जेल में पड़े पड़े मर खपने से तो बेहतर है। और अगर सजाए मौत ही होनी है तो मैं गिरफ्तारी क्यों दूं? मेरी बीवी तुम्हारा भी केस लड़ेगी। तुम बेगुनाह हो, तुम्हारी बीवी अगर तुम्हें ही बचा लेना यही बड़ी बात। और मेरी तो जरायम की लिस्ट मेरी उम्र से ज्यादा बड़ी है, मुझे कोई नहीं बचा सकता। इतना कुछ हो गया है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या बताती है आपको, आपके मना करने के बावजूद मैंने शाहरुख से शादी की। मैंने खामखा कोई मुखालफत नहीं की। माँ बाप अपने बच्चों के मुखालफत नहीं करते, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें। ये सोच रही थी कि शाहरुख बहुत जल्दी सेटल हो जाएगा। मुझे तो पता था कि उसने कुछ करना ही नहीं है। प्लीज डैडी मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी ख्वाहिशें, उनका क्या होगा बेटी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
अब समझ आ भी जाए तो क्या फायदा? अब तुमने अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ गुजारनी है। क्यों डैड, क्या ये जरूरी है? मैं हर सूरत अपनी बेटी का घर आबाद देखना चाहता हूँ। मगर मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। तुमने खुद अपनी मर्जी की है, तुमने शादी की है अपने भाव से। लेकिन शाहरुख की शादी को नहीं निभाना चाहते। कैसे नहीं निभाना चाहते? मेरी बेटी को छोड़ देगा, उसकी इतनी जरूरत कैसे होगी? डैड, डैड असल बात ये है। बात कुछ भी नहीं है। अच्छा तुम ये बताओ, सुमी कहाँ है? सुमी अपने कमरे में आई। सुमी बेटा देखो कौन आया है। अरे वाह, अरे वाह, सुमी बेटी, अरे हाय, ये तुम्हारी अपनी बेटी है? हाँ जी डैड, आपके कहने का मतलब क्या है? इसके हाल तो देखो, कितना बुरा हाल हो गया इसका। डैड सुमी का ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन सुमी ठीक ही नहीं हो पा रही। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों ने इसको इग्नोर किया। इसको तो फौरन हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। नहीं डैड, मैंने सुमी को कभी भी इग्नोर नहीं किया। नहीं, इसको हम फौरन हॉस्पिटल लेके जाएं। तो तुम खुश हो ना? मैं पहले भी खुश थी। जी नहीं, पहले तुम अजीबो गरीब किस्म के खदशात का शिकार थे। खदशात तो अब भी हैं। अब होने तो नहीं चाहिए। अब तो जुम्मे को तुम्हारा निकाह हो रहा है। जुम्मे को? डैड ये कैसे मुमकिन है? एक माँ भला अपनी औलाद से कैसे इंतकाम ले सकती है? इंतकाम में इंसान कुछ भी कर सकता है। एक बूंद जिंदगी, एक बूंद जिंदगी। खुश हो ना? मैं पहले भी खुश थी। जी नहीं, पहले तुम अजीबो गरीब किस्म के खदशात का शिकार थे। खदशात तो अब भी हैं। अब होने तो नहीं चाहिए। अब तो जुम्मे को तुम्हारा निकाह हो रहा है। जुम्मे को? हाँ, अब सारे रिफाई काम छोड़ दो और शादी की तैयारियां करो। इमरान के घर वालों को पता है कि आमिर भाई जेल से भाग गए? नहीं, अम्मी बता रही थी कि आंटी शगुफ्ता आमिर के बारे में पूछ रही थी। फिर अम्मी ने क्या बताया? यही कि अभी तक केस चल रहा है। तो नहीं आमिर भाई कहाँ होंगे, किस हाल में? मैं तो
खुद बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अजीब है इस मुल्क के हालात। जेल में इंसान को ज्यादा महफूज समझता है और बाहर गैर महफूज। ठीक कहती हूँ, मैं तो खुद अजीब गरीब किस्म के खदशात का शिकार हूँ। ठीक हो जाएगा। नहीं, दिल नहीं चाह रहा। बच्ची के साथ ये मसला कब से है? अक्सर सुमी अक्सर बीमार रहती है। यानी कि इसे बार बार डायरिया होता रहता है? जी। कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया आपने इसका? प्रॉपर इग्नोर हो चुकी है। ये कैसी लापरवाही है? आप कैसे पेरेंट्स हैं? इसी चीज का तो दुख है मुझे। बच्ची के टेस्ट वगैरह करवाए आपने? जी डॉक्टर, प्रॉपर टेस्ट हुए हैं, ट्रीटमेंट्स होते रहे हैं, लेकिन सुमी मुकम्मल तौर से कभी भी ठीक नहीं हुई। बच्ची को यहाँ एडमिट करना होगा। दुआ करें कि देर ना हो चुकी हो। देर? बस दुआ करें कि मेरे सारे खदशात गलत हों। डॉक्टर, कोई खतरे की बात तो नहीं है? खतरे वाली तो बात है, जाहिर है। बार बार डायरिया होने की वजह से कुव्वत मुदाफियत खत्म हो जाती है और फिर बाद में मेडिसिन अपना काम नहीं करती। प्लीज डॉक्टर, आप मेरी बच्ची को बचा लें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। सब कुछ अल्लाह के हाथ में, आपको तो मालूम है जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मम्मा, मैं क्या मर जाऊंगी? अरे नहीं बेटा, आप तो इतनी प्यारी परी हैं, आपके बारे में थोड़ी बात हो रही है। आप हिम्मत से काम लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ کیوں، تمہیں میری طبیعت ٹھیک نظر نہیں آئی؟ بیمار لگتا ہوں۔ نارمل حالات میں تم مجھے یاد کرتے نہیں ہو۔ فہد، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے ہماری ملاقات تلخ ہو جائے۔ ایسی کوئی بات ہے بھی نہیں۔ تم خام کا بدگمان کر دیے گئے۔ میں نے یہاں تمہیں صفائیاں پیش کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے کیوں بلایا؟ بلانے یا ملنے کی کوئی وجہ ہونا ضروری ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کافی تو یہاں اچھی ملے گی نا، چائے ہی منگوا دو۔ کافی بھی ملے گی، آؤ بیٹھو۔
جی دو کپ کافی بھجوائیں اچھی سی. میں حیران ہوں کہ تم لوگ حالات کو یہاں تک لے آئے اور مجھے کوئی خبر ہی نہیں. میں نہیں ڈیڈ, شاہ رخ حالات کو یہاں تک لے کر آیا. سارا قصور شاہ رخ کا نہیں ہے, تم دونوں مجرم ہو, میرے اور اس معصوم جان کے لیے. میں نے کیا کیا ہے, میں کیا کرتی؟ بیٹی مجھے لگ رہا ہے کہ تم سومی کو اس پوزیشن میں لا کے شاہ رخ سے انتقام لے رہی ہے. ڈیڈ یہ کیسے ممکن ہے, ایک ماں بھلا اپنی اولاد سے کیسے انتقام لے سکتی ہے؟ انتقام میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. میں نے آپ کے مخالفت کے باوجود شاہ رخ سے شادی کی, کیا آپ نے مجھ سے انتقام لیا؟ ہاں لیا, میں یہ ملک چھوڑ کے چلا گیا, تم سے کانٹیکٹ نہیں کیا, میں تمہیں کال بھی نہیں کیا. اگر انتقام یہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بیٹی؟ باپ کی نافرمانی کر کے تم نے دکھ اٹھایا, تمہاری اس غفلت کی وجہ سے سومی سفر کر رہی ہے. کیا کرتی؟ اپنی اور سومی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مجھے جاب کرنی پڑی. تم مجھے بتا, میں حل نکال لیتا. اس منہ سے میں آپ کو کال کرتی؟ باپ بیٹی سے ناراض ہو سکتا ہے لیکن رشتہ نہیں توڑ سکتا. ڈیڈ میں شرمندہ تھی, اسی وجہ سے آپ کو انفارم نہیں کیا. چلو جلدی سے تم مجھے شاہ رخ کا نمبر دو, اس نے مجھے بھی اندھیرے میں رکھا, اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کا بھی خیال نہیں رکھا. میں اس سے بات کروں گا. کیسی ہے کافی؟ اچھی ہے. صرف اچھی ہے یا کسی فلم سٹار کی طرح اٹریکٹو بھی؟ فلم سٹار اور کافی کے بیچ کیا ریزیمبلنس ہے یار. ویسے کبھی کبھی کافی پیتا ہوں تو فلم ایکٹریس سندس یاد آتا ہے. سندس جانتے ہو اس کو؟ ہاں کافی اچھی آرٹسٹ تھی, مرڈر ہو گیا بیچاری کا. کس نے کیا تھا؟ معلوم نہیں ہے مجھے, نیوز دیکھی تھی میں نے. ویسے میڈیا نے بہت اچھالا تھا اس کیس کو. ویسے تمہیں اس کا خیال کیوں آیا؟ اور تمہاری کافی کا سندس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بس یار کافی پی تھی میں نے کبھی سندس کے ساتھ. سندس کے ساتھ؟ ہاں. اس میں اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ کیا میں نہیں مل سکتا ہوں؟ تم کہاں ملے؟ شعیب کے ساتھ. شعیب جانتے ہو اس کو؟ نہیں. بہت مشہور بزنس مین کیسر کا بیٹا ہے. ہاں نام سنا میں نے. میں تصویر دکھاتا ہوں تمہیں اس کی.
कॉफी वाकई अच्छी है। हाँ ये तू रख ले, जरूरत पड़ने पे मुझ पा लेंगे। तेरी बड़ी मेहरबानी है। और यहां से जो गाड़ी मिले ना, बैठ के शहर पहुंच जाना। और हाँ, ये कुछ किराया भाड़ा है, रास्ते से कुछ खा लेना। खाना तो मैं घर जाकर ही खाऊंगा। एक एहतियात कर, हमारे खातिर पुलिस हर एक का मुंह सूंघते फिरती है। कोशिश करूंगा। कोई हिमाकत मत कर। जिंदगी की सबसे बड़ी हिमाकत मैंने जेल से भागकर क्या हिमाकत कर। और दूसरी हिमाकत तुम वापस जाने की कर। मैं तो तुझसे कह रहा हूं कि तू भी मेरे साथ चल जा। अपना ख्याल रख। और अगर इस बार पकड़ा गया ना तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ। गिरफ्तारी दे दी। ना ना ना, पुलिस अपनी कारकर्दगी के लिए कुछ भी कर सकती है, सो ये कदम मत उठा। मैं घर पहुंच गया तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बल्कि देख, तू अपने वकील के जरिए सीधे अदालत पहुंचना। सर जो है वो बड़े ओहदे पर फाइज, मेरे ससुर बड़े ओहदे पर फाइज हैं, अब उनकी मुशावरत के बगैर मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा। चल अपना ख्याल रख। Thank you.